हेलो एवरीवन, मैं गौरव बोध एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम भारत के ट्रांसलेशन सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ बड़े लेवल पर वर्क करते हैं, जैसे निस्केयर, NDRTC, इसके अलावा NCERT, SCERT एंड CIEFL भी स्मॉल लेवल पर ट्रांसलेशन वर्क करते हैं। और यहाँ पर हम कंटेंट पेज दिखा रहे हैं, इसमें हम किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। ये सभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशन से, निस्केयर। निस्केयर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। निस्केयर 30 सितंबर 2002 में अस्तित्व में आया और ये भारत के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट निस्कॉम और इंस्टॉक को मर्ज करके बनाया गया था। दोस्तों, हम थोड़ा निस्कॉम और इंस्टॉक के बारे में भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। निस्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1951 में किया गया था। इसके अलावा इंस्टॉक, इंस्टॉक स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और यह 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं निस्केयर एक्टिविटीज़ की। पहली जो कोर एक्टिविटी है निस्केयर की, जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न साधनों को, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनका प्रसार करना जिससे सामाजिक लाभ हो, ये इसकी कोर एक्टिविटी है। इसके अलावा निस्केयर साइंटिफिक और टेक्निकल पब्लिकेशन भी लिटरेचर का उत्पादन और उसको प्रिंट कराने का भी कार्य करता है। निस्केयर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस कम्युनिकेशन के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देता है। दोस्तों, बात करते हैं निस्केयर के फंक्शंस एंड ड्यूटीज की। जो पहला है, यह है प्रोवाइड फॉर्मल लिंकेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी। जो फॉर्मल लिंकेज मीन्स रिसर्च जर्नल फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी। सेकेंड वन इज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में प्रसार कराता है। थर्ड वन इज टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट एनिमल एंड मिनरल वेल्थ ऑफ कंट्री। मीन्स के हमारे देश के पशु पौधे और अदर मिनरल वेल्थ को प्रसार करता है, बढ़ावा देता है। फोर्थ, मॉडर्न लाइब्रेरीज के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का ध्यान रखता है, ये इसका फर्थ फंक्शन है निस्केयर का। फिफ्थ वन है देश के सभी एरिया जैसे इकोनॉमिकली, सोशली, कॉमर्शली डेवलपमेंट के लिए समय समय पर सही जानकारी देना, ये भी एक फंक्शन है। सिक्स्थ वन है ह्यूमन रिसोर्स को साइंस कम्युनिकेशन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में विकसित करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, निस्केयर सर्विसेज। लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन सर्विस, नेशनल प्रायर आर्ट सर्च, पैटेंट ड्राफ्टिंग एंड पैटेंट इंफॉर्मेटिक सर्विसेज फैसिलिटी, एडिटिंग, प्रिंट एंड प्रोडक्शन, ट्रांसलेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बुक एग्जीबिशंस, कंसल्टेंसी सर्विस सर्विसेज। जो निस्केयर के जनरल्स हैं और उनके इंटरवल्स हैं, उनके कुछ के नाम जो मेन हैं उनके नाम लिख देते हैं। जनरल्स
सॉरी स्टार्ट जर्नल पब्लिश बाय निस्केयर विद देयर इंटरवल्स. पहला है जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये मंथली पब्लिश होता है. सेकंड वन है इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, ये बाई मंथली पब्लिश होता है. थर्ड है इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, ये मंथली प्रकाशित होता है. फोर्थ है इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये बाई मंथली. फिफ्थ वन इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये क्वार्टरली पब्लिश होता है. जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बाई मंथली पब्लिश किया जाता है. दोस्तों निस्केयर के 19 प्लस जर्नल हैं जो हर साल पब्लिश कराता है, और निस्केयर 20 प्लस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन इंग्लिश में प्रोवाइड कराता है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. न्यू ऑर्गेनाइजेशन है DRTC. DRTC स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर. DRTC का हेडक्वार्टर जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ISI बेंगलोर में है. दोस्तों DRTC का इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था, जिसमें सर रंगानाथन ने एक अहम रोल निभाया था. DRTC एक ग्रेजुएट प्रोग्राम भी चलाता है जो कि इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर्स ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MS LIS और PhD रिसर्च फेलोज के रूप में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से कराया जाता है. अब बात करते हैं DRTC की सर्विसेज की. पहले जो है लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस. लाइब्रेरियन डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन रिसर्च रिपोजिटरी ऑफ आर्टिकल पेपर एंड प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. ये इसको यहाँ पे जो लिंक दिया गया है ये इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन बताता है कि ये सर्विस क्या प्रोवाइड कराती है, इसके बारे में यहाँ पे लिंक दिया गया है. सेकेंड सर्विसेज है कैलिस के नाम से है, करंट अवेयरनेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. कलेक्ट द RSS फीड ऑफ ई जर्नल्स इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. कैली जो है वो लाइब्रेरी साइंस के ई जर्नल्स के RSS फीड्स को RSS मीन्स रियली सिंपल सिंडिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज और अदर वेब कंटेंट फ्रॉम ऑनलाइन पब्लिशर टू यूजर. ये इसकी सर्विस थी दोस्तों. चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यहाँ पर रिसर्च ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के रिसर्च के बारे में बताया गया है. इसकी क्या क्या रिसर्च है, फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एंड एनालिसिस, IT एप्लीकेशन टू इनफॉर्म सर्विसेज, सेंटोमेट्रिक्स, नॉलेज मैनेजमेंट, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेवेंस सिस्टम, ऑन्टोलॉजी एंड टेक्सटोनॉमीज डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, डिजिटल लाइब्रेरीज, नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम. नेक्स्ट स्लाइड. ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों NCERT. NCERT स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये भारत की एक ऑटोनोमस बॉडी है. NCERT का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1961 में हुआ था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है श्री अरबिंदो मार्ग पर. दोस्तों NCERT को एक लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है. NCERT एंड नेशनल बुक ट्रस्ट NBT भारत में टेक्स्ट बुक्स का ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराती हैं दोनों लैंग्वेज में, यानी कि रीजनल टू नेशनल, नेशनल टू रीजनल. ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT, पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन इन इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस. सेकंड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स टीचिंग लर्निंग के अलग अलग प्रारूप जैसे ऑडियो वीडियो मटेरियल को विकसित करने के लिए बढ़ावा देता है.
हाँ तीसरा है वर्किंग ऑफ रिटायर्ड टीचर्स को नेशनल और स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ जो है टू कोलाबरेट विद स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स के इंटरनेशनल नेशनल स्टेट तीनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन सहयोग करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस है इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, इजी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, ये सभी इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो इम्पोर्टेंस थे उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एससीईआरटी है। एससीईआरटी स्टैंड्स फॉर स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यह भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर कार्य करती है। एससीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। एससीईआरटी एक नोडल एजेंसी है एनसीटीई नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन के अंडर आती है, जो एससीईआरटी है ये उसके अंदर एक कार्य करती है। किस तरह के कार्य करती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन एरिया ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एससीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अभी दोस्तों। अदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीईआरटी यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी और मेजर प्रोग्राम्स को एडवाइज या असिस्ट करना, ये उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च ऑफ द पर्सनल, एजुकेशनल रिसर्च और टीचर्स ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है। टू डेवलप द करिकुलम एमिंग एट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स के स्टूडेंट्स के ऑल अराउंड डेवलपमेंट को एजुकेशन पर्पज से विकसित करता है। फोर्थ है टू डेवलप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन, मीन्स के डेवलप द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एससीईआरटी जो है डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। एससीईआरटी की सर्विस देखेंगे अभी दोस्तों। नेक्स्ट पहले इसकी जो सर्विस है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैरीज आउट ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज एंड फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। सेकंड है कंसेप्चुअलाइजेशन रिगार्डिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ कोर्स डिजाइन। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ कोर्स मटेरियल। फिफ्थ है ओरिएंटेशन ऑफ कोर्स डायरेक्टर एंड रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों CIEFL। CIEFL CIEFL स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। CIEFL 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2007 में इसका नाम बदलकर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU कर दिया गया था। CFLU मेन कैंपस जो है वो हैदराबाद में है और CIEFL द ओनली सच यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू लैंग्वेजेस इन साउथ एशिया। सर्विसेज ऑफ CIEFL जो सर्विसेज हैं इसकी पहली सर्विस है द यूनिवर्सिटी प्रजेंटली कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडिंग जर्मन, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश एंड जापनीज। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो कैरीज आउट ट्रांसलेशन वर्क। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका जो सर्विस है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्सो कैरीज आउट ऑफ ट्रांसलेशन वर्क।
और इसमें कितनी लैंग्वेज में करते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। और जो इसका जर्नल ऑफिशियल जर्नल है सीआई कलकत्ता EFLU पब्लिशर्स कंटेक्सचर्स अ जर्नल ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर बाय एनवोली। दोस्तों भारत में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च डेवलपमेंट को लेके काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसलेशन रिक्वायरमेंट को एक लिमिटेड नंबर तक पूरा करती हैं। उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ नाम मैंने दिखाए हैं, जैसे कि ब्राक है, डेसीडोक है, ONGC है, BHEL है, मिकोन है एंड HAL है। ये सोर्स लिंक है जहाँ से हमने दोस्तों पूरा PPT तैयार किया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों आपका हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप हम लोगों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ आप हमसे LIS स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग नेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप हमसे PDFs में नोट्स ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे ब्लॉग्स और यूट्यूब को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।